हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही अच्छी नोटबुक। ये किसी स्कूल की नोटबुक नहीं है, एक्चुअली मैंने इसको मार्केट से ख़रीदा था अपने बच्चे के लिए। ओके, सो ये है नंबर्स की बुक, बट 1 to 50 हम अपने बच्चों को लिखना कैसे शुरू करवाएँ, उसमें क्या क्या होता है, इस नोटबुक के अंदर सब कुछ है। ओके, तो चलिए शुरू करती हूँ। ये थोड़ी सी डर्टी होगी क्योंकि मेरे बच्चे की है, इसने किया हुआ है, सो मैं आपके साथ में इसको शेयर कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट जो इसमें चीज़ दी हुई होती है, बच्चा हम बच्चे को जो है नंबर्स लिखना सिखा चुके हैं 1 to 10, इसमें यहाँ तक है। 1 to 10 के बाद में हम उनको क्या क्या करवा सकते हैं, 1 to 10 हमने बच्चे को लिखना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, उसके बाद में हम क्या क्या करवा सकते हैं। सो काउंट एंड राइट द करेक्ट न्यूमरल। बच्चे को जो यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं उनको काउंट करना है और यहाँ पर उस नंबर को लिखना है। सो अभी हम बच्चे को जो है 1 to 10 सिखा चुके हैं, सो बच्चा इजीली काउंट कर लेगा 1, 2, 3 और वो यहाँ पर 3 लिख भी देगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड है 1, 2, 3, 4, 5, तो बच्चा यहाँ पर जो है 5 लिख देगा। मेरे बच्चे ने फर्स्ट टाइम 5 जब लिखना शुरू करा था तो उसने गलत बना दिया था, तो ये इरेजर्स जो है मैंने मिटाया हुआ है इसको। सेकेंड जो है इसमें इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ होता है कि काउंट एंड सर्कल द करेक्ट न्यूमरल, यानी कि एक पिक्चर होती है, इस पिक्चर के अंदर कुछ भी पैटर्न बना हुआ है, कोई भी ड्राइंग बनी हुई है, ओके, किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना हुआ है, बच्चे को उसको काउंट करना है और नीचे जो है 3 डिजिट दिए हुए हैं अलग अलग, जो करेक्ट वन है उस पर बच्चे को सर्कल करना है, जैसे कि 1, 2, 3, इस पर 3 पे सर्कल है, ये सही है। अब देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे ने गलत कर दिया था, सो वो भी मैं आपको बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो ये रॉन्ग है, इस पर सर्कल करना था। तो इस तरीके से जो है आप अपने बच्चे को नोटबुक भी बना करके दे सकते हैं, वर्कशीट भी बना करके दे सकते हैं। मैंने इसी में से देख करके जो है अपने बच्चे को, मेरे से जो है गलती हो गई थी, सॉरी मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने शुरू में जो है यही बुक नोटबुक बच्चे को पकड़ा दी थी, बट यस मुझे ऐसा करना चाहिए था कि इसमें से देख करके मुझे वर्कशीट जिसी घर पर बना करके फिर देनी चाहिए थी। वो होता है यार, स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं पता होता तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। इससे 1, 2 इसमें सही ही कर दिया है ये, इस तरीके से आप सेकेंड वाला दे सकते हैं बच्चों को करने के लिए। अब थर्ड जो है, नंबर्स हमारा बच्चा सीख ही चुका है, सो काउंट एंड द करेक्ट न्यूमरल, सॉरी काउंट एंड मैच द करेक्ट न्यूमरल। अब बच्चे को काउंट करना है 1 and 2, हाउ मैनी फिशेज आर देयर, 2 फिशेज। सो बच्चा जो है यहाँ पर न्यूमरल क्या है, 2, सो इससे इसको मैच कर दिया। इस तरीके से जो है आप छोटी छोटी सी वर्कशीट्स उनको बना करके दीजिए, कुछ भी, जैसे कि नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का हमने बना करके बच्चे को दे दिया। इस तरीके की वर्कशीट आप छोटी सी बच्चों को बना करके सिंपल सी दे सकते हैं। ये भी देख सकते हैं, देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों को समझाने का, कि इसके थ्रू भी जो है फ़ायदा क्या होगा कि बच्चा जो है फोकस कर पाएगा और उसको समझ में आएगा कि वो क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है। सो इसमें क्या है, शॉर्टिंग सेट्स दिए हुए हैं, इसमें काउंट एंड राइट द नंबर्स इन द बॉक्स, जिससे कि यहाँ पर एक बच्चों को ड्राइंग बना कर दी हुई है, यहाँ पर एक कैट है, ये फ्रॉग है, ठीक है, इस तरीके से डायनासोर वगैरह बना करके बच्चों को दिए हुए हैं। आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, अगर आप नोटबुक बना रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, स्माइली, इस तरीके का कोई भी पैटर्न एक यूज़ कर सकते हैं और उनको एक बॉक्स में कई सारे बनाइए और उसके बाद में जो है बच्चों को बताइए। इसी तरीके से आप साइड में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल्स कितने हैं या ये सर्कल्स कितने हैं, कितने काउंट है, काउंट करके बताओ। तो यहाँ पर कितने डायनासोर हैं, 1, 2, 3, सो बच्चा यहाँ पर लिख देगा 3। एंड कितनी कैट्स हैं, सो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से 5 कैट्स बच्चा यहाँ पर लिख देगा। फ्रॉक्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो इस तरीके से जो है बच्चा इसको काउंट कर करके लिख लेगा। ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ही अच्छी है, कंसंट्रेशन बच्चों का बढ़ता है। मेरी वर्क जो है बच्चे की थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में ही उसको दे दिया तो उसने ख़राब कर दी थी, बट ये बहुत ही अच्छी है। इससे जो है आप बच्चों को अभी 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग सिखाने के बाद में आपको क्या करवाना है वो इजीली करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।